नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी चमत्कारी बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी और कठिनाई को दूर कर देती हैं। दोस्तों, ये जानकारी होती है वास्तुशास्त्र, धार्मिक ज्ञान, व्रत पूजन विधि और भारतीय देवी देवताओं से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चमत्कारी टोटके को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने बताया है कौन होता है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन। आनंद रामायण में कुल 9 कांड हैं, जिसमें भगवान राम ने जन्म से लेकर स्वलोक गमन तक की कथाएं बताई गई हैं। ग्रंथ में खुद भगवान राम ने 7 ऐसी बातें बताई हैं जो कि मनुष्य के सबसे बड़े अवगुण होते हैं। ये 7 अवगुण ही मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जिस किसी मनुष्य में इन 7 में से कोई भी एक आदत मौजूद हो, उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जुआ। जुआ मनुष्य की सबसे बुरी आदतों में से एक माना जाता है। जुआ खेलने वाला जब इसका आदी हो जाता है, तब वह जुए के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाता। वह लालची हो जाता है और कई बार वह कर्ज में भी डूब जाता है। जुआरी खुद के साथ साथ अपने परिवार की बर्बादी का कारण भी बनता है। जुए की आदत किसी भी मनुष्य को बर्बाद कर सकती है, इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री से प्रेम करना। जो मनुष्य अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्रियों पर ज्यादा ध्यान देता है, हर समय उनके आगे पीछे घूमता रहता है, वह दुष्ट माना जाता है। ऐसा मनुष्य किसी भी समय स्त्री के साथ बुरा व्यवहार कर जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में बुरी भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कई बार तो अपराधी तक बन जाता है। साथ ही ऐसे मनुष्य के गृहस्थ जीवन में भी अविश्वास और तनाव बना रहता है। अधिक निद्रा यानी देर तक सोना। देर तक सोना आलस की निशानी होती है। आलसी मनुष्य घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं कर सकता। देर तक सोने वाला आलसी के साथ साथ कामचोर भी बनता जाता है। ऐसे मनुष्य को हर काम को टालने की आदत लग जाती है। साथ ही देर तक सोना कई बीमारियों का भी कारण बन सकता है, इसलिए देर तक सोने की आदत से बचना चाहिए। आलस्य। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलसी व्यक्ति जीवन में किसी भी अवसर पर लाभ नहीं लेता। आलस की वजह से मनुष्य अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता और सबकी नजरों में बुराई का पात्र बनता जाता है। ना तो वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहता है और ना अपने कामों के प्रति। आलस्य की आदत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। मदपान यानी शराब पीना। नशा करने की या शराब पीने की आदत मनुष्य का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। नशे में व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है और कई बार वह ऐसे काम भी कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। नशे में की गई गलतियों की सजा ना कि सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार वालों को भी भुगतनी पड़ती है। नशा करने वाला मनुष्य अपने मान सम्मान के साथ साथ धन सम्पत्ति का भी नाश कर लेता है। इस दोष से हमेशा दूर रहना चाहिए। शिकार करना। शिकार करना या जीव हत्या करना। कई लोगों को शिकार करने का शौक होता है। शिकार करने को लंबे समय से स्टेटस सिंबल माना गया है और जो लोग शिकार नहीं करते वह भी अनजाने में कई बार निर्दोष जीवों की हत्या कर जाते हैं। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य को इसके बुरे परिणाम किसी न किसी रूप में झेलने ही पड़ते हैं, इसलिए हर किसी को शिकार करने की आदत छोड़ देना चाहिए। ज्यादा खेल कूद करना। खेलना कूदना कई लोगों का शौक होता है, लेकिन शौक जब आदत बन जाए तो पता नहीं चलता। जिस मनुष्य को खेल कूद करने और अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद करने की आदत लग जाती है, वह हर समय यही काम करता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन अपने जिम्मेदारियों से हटकर किसी और केंद्रित हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस आदत को छोड़ देने में ही समझदारी होती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताई कुछ बातें जो मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं आपकी राय और सुझाव। दोस्तों, जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।